हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू चक द डिज़ाइन सिस्टम सीरीज आई एम चिराग गोयल एंड इन दिस एपिसोड विल भी टॉकिंग अबाउट द फ्रंट एंड सिस्टम डिजाइन कॉम्पोनेट्स ओके सो जनरली हाउ आर फ्रंट एंड डेवलपर और यू आई इंजीनियर स्टार्ट देयर करियर क्या होता है वी मोस्टली थिंक आर यू आर कूल सा यू आई बनाएंगे कुछ एनिमेशन होगा कुछ गेम होगा एंड वी वी यूज टू सी लॉट ऑफ यू कूल एप्लीकेशन एंड द वेब एप्स बेसिकली ऑर द मोबाइल ऐप एंड वी यूज टू सी कि ठीक है कुछ ऐसा ही कुछ बढ़िया सा डेवलप किया जाएगा ओके एंड वी स्टार्ट जनरली आर करियर इन टू दैट बिकॉज इट इज इट इज अपीलिंग यू वी कैन सी दैट राइट एंड इवेंचुअली क्या होता है वैन वी हैव अ डिस्कशन विद आर सीनियर्स राइट वैन वी गेट इन टू द इंटरव्यूज एंड बेसिकली आफ्टर सो मेनी डिस्कशन एंड सो मेनी थिंग्स वी रियलाइज इट्स नो लॉन्गर जस्ट डेवलपिंग अ कूल यू आई इट्स मच मोर देन दैट राइट दे आर लॉट ऑफ डिस्कशन इन टर्म्स ऑफ माइक्रोफ्रंट एंड क्या राइट सो so, एक्सेसिबिलिटी कैसे मेंटेन करेंगे सिक्योरिटी कैसे होगी आपकी एप्लीकेशन में कैसे आप कैश करोगे कैसे ऑप्टिमाइज़ करोगे उसकी परफॉर्मेंस बेसिकली क्या होगी राइट सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे कैसे वर्क करोगे ये हंड्रेड परसेंट अवेलेबल कैसे होगी ऑफलाइन सपोर्ट कैसे देना दे सो मेनी टर्मोलॉजीज दे आर सो मेनी कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सिस्टम डिजाइन बेसिकली विच स्टार्ट चिपिंग इन टू वाई बी स्टार्ट डेवलपिंग एंड गेटिंग इन टू द मोर इन टू द फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड देन वी रियलाइज इट्स नो लॉन्गर अ कूल it become a ghost after a couple of some time, right? So don't worry about that. In this episode, we'll be getting rid of this ghost and we'll make everything very simple and cleaner. And uh, yeah, so you will be learning, we will be diving into each and every uh, system design component on the front end side. And we'll be learning it while doing some business stuff and obviously uh, growing our business from us, uh, a sa Indian Samosa wala stall to an international brand yes so with this let's get started although there are so many uh, stuff that front end engineer does like deciding the architectural pattern right what different kind of handling the different kind of protocol thinking about the availability consistency right the accessibility credibility in the trust basically logging monitoring databases caching security performance performance and optimization and obviously the testing but there are still so many करना क्या होता है ए पी आई से डेटा लाओ और यहाँ पे शो कर दो तो इट्स लाइक इधर से आलू आएगा उधर से सोना निकल जाएगा राइट इट डजेंट हैपन ओके विद्स गेट इट स्टार्ट ओके सो हमारे मोटू भाई को विच इज आर इंडियन समोसा वाला सो स्टॉल चलाते चलाते ही गॉट एन आइडिया कि चलो अपने स्टॉल को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं अपने जो सेटिंग एरिया है उसको और इनोवेटिव करते हैं रीजन इज ही गॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर्स तो कस्टमर्स कैसे आते हैं कस्टमर्स आते हैं जिनको थोड़ा सेटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सेपरेट चाहिए जहाँ पे दे कैन हैव देयर चिट चैट और देयर यू कैन से पर्सनल टॉक और देयर यू कैन से मीटिंग सॉर्ट ऑफ स्टॉक सेकेंड सॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट कुछ ऐसे भी आते हैं जो सुट्टा मारना चाहते हैं ऑब्वियसली दे वॉन्टेड टू दे आर अदर सॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट कि और लोग थोड़ा कॉम्पिटिटिव टाइप के लोग दे हैव कूल यू कैन से फाउंटेन एरियाज और द स्विमिंग पूल एरियाज वो सारी चीजें भी डेवलप करनी है सो नाउ हमारे मोटू भाओ भाई ने क्या किया सो बेसिकली ही थॉट कि चलो आई वॉन्टेड टू हैव सच कूल स्टफ सो ही थॉट कि चलो हम एक चिटचाट के लिए एरिया भी हो जाए वी हैव टू गिव द स्मोकिंग जोन एज वेल एंड ऑन टॉप ऑफ इट वी आर गोइंग टू हैव सम वाटर एरिया वेयर पीपल कैन बेसिकली सिट एंड बेसिकली पीपल कैन इन्जॉय वॉट दिस देसी जुगाड़ केम इन टू द देसी मोटू भाई बेसिकली केम इन केम विद द जुगाड़ विच रिजल्टेड इन टू सम लाइक दिस सो विच इज स्क्रूड अप राइट सो बेसिकली पर्सन ट्राई टू फिट एवरीथिंग यू हैव अ प्राइवेट एरिया यू हैव वॉटर इन साइड दैट यू हैव अ स्मोकिंग एरिया एवरीथिंग इन साइड वन एंड इट रिजल्टेड इन टू अ क्रैप राइट इट डेंट वॉट सो जनरली क्या होता है फ्रंट एंड में भी ऐसी होता है राइट वेन यू स्टार्ट डेवलपिंग एनी ऑफ द एप्लीकेशन So we start thinking key using using same technology, using same pattern, are all the use cases are going to fit? And obviously, the client and the people, the managers are sitting on the head to get the things delivered, and people end up resulting into the shit over the of the time, over the period of time, it actually is is a piece of shit. So for for that, in order, order to avoid, we have something called micro end right? So the the one which has everything that is monolithic. Front end and what we are going to talk about. This is this this pattern is called monolithic front end, right? But this is not going to scale, definitely, right? This does not serve the different different use cases, and this is not going to scale. There is a, there is a better way. What is that better way? Let's quickly see. Let's check this. This is not going to work. What we can come up with.

सिमिलरली बिजनेस यूज केसेस की अगर बात करें सो टेक्निकल यूज केस में भी सेम होता है सो इट्स लाइक देर सर्टन फीचर्स सर्टन कैपेबिलिटीज दैट कैन भी डेवलप वेरी इजिली एंड कैन भी मैंटेन वेरी वेल इन रिस्पेक्टिव टेक्नोलॉजी मे बी ये रियक्ट से बहुत अच्छा डेवलप हो सकता है या मेटेन हो सकता है और प्रोबेबली इट सर्वस लॉर्ड ऑफ यूज केसेस इन रियक्ट एंड सिमिलरली इट कैन बी व्यूज एंड एंड दिस कैन बी old you can say technology stuff which was developed in the jquery right so there can be different technologies which are involved in a single you can say ui which help or you can say serves different business use cases okay so all of them fit together basically in order to serve your business need that's why we call it micro front end and this help basically to in in order to scale your team and basically to take a decision ईच एंड एवरी टीम कैन टेक देयर ओन डिसीजन जो दूसरे को इम्पैक्ट नहीं करने वाला राइट इफ दे आर सर्टन मॉडिफिकेशन द बीच एरिया इट्स नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट एनीथिंग ऑन द ओपन सोर्स यू कैन से ओपन स्पेस एरिया सिमिलरली द क्लोज वाला ही कैन मेक हिज ओन डिस राइट सो सिमिलरली हाउ टू अचीव दीस थिंग बेसिकली इन टर्म्स ऑफ द टेक्निकल टर्म्स क्विकली टॉक अबाउट दैट सो वन इज वेरी फेमस विच इज आई फ्रेम वे सेकेंड इज वेरी फेमस विच इज वेब कॉम्पोनेंट वे third, if you are using react, the module federation is uh, one of the very charming and popular way of uh, achieving the micro front end. and the last, uh, but the least, uh, which i personally see it's from the very long time and it's very trendy also, which is your micro apps or you can say basically route-based. okay, so in this episode, basically we'll be talking about the overview of it.

Uh, जो सर्वर है बेसिकली विच इज़ योर किचन जहाँ पे आपके समोसे प्रिपेयर हो रहे हैं वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं राइट सो इन दिस विल बी फर्स्ट टेकिंग अप सो टेक एन एग्जाम्पल अगर चाय मंगानी है तो जनरली हम कैसे मंगाते हैं भैया दो चाय लाना तो देर इज अ वे वेटर विल कम वो दो चाय लेके आएगा और आपको सर्व कर देगा इसमें बहुत सारे सीनारी हो सकते हैं लाइक like, चाय तक तो बात सही थी नाउ इफ इट हैज़ मल्टीपल ऑर्डर्स इन इट लाइक भैया दो चाय दो दो पनीर समोसे दो मैगी समोसे दो चीज़ कॉर्न समोसे लेके आना नाउ दिस ऑर्डर इज बल्क तो क्या हो सकता है एक ये कि आपका वेटर गया वेटर वेट करेगा जब तक वो ऑर्डर पूरा प्रिपेयर नहीं हो जाएगा और फिर फाइनली लेके आएगा इसमें प्रॉब्लम है रिसोर्स क्रंच रिसोर्स क्रंच मतलब कितने वेटर लगाएगा रेस्टोरेंट आपके लिए राइट ऐसे तो भैया जैसे जैसे लोग और आएंगे वैसे वैसे प्रॉब्लम हो जाएगा सारे के सारे वेटर वेट ही करते रह जाएंगे वहाँ पे दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क तो वन वे इज़ क्या कर सकते हैं आपका जो कस्ट कश... आपका जो वेटर है वो जाएगा जो रेडी है वो ले आएगा और बार बार आप अपने वेटर को बोलते हो कि जाओ देख के आओ ऑर्डर रेडी हो गया या नहीं राइट अगर ऑर्डर रेडी हो गया वेल एंड गुड और तो आप क्या कहते हैं लेके आ जाओ तो इस केस में हाउ हाउ इट वर्स ओके सो इन दिस केस इट इज गोइंग टू वर्क इन आपने भेजा वेटर को वेटर लेके आएगा कि अच्छा सम ऑफ द ऑर्डर इज रेडी आप ये लो अभी भी कुछ चीजें बची हुई हैं तो आप उसको वापस से भेजते हो गो एंड चेक इफ समथिंग इज रेडी आप वापस लेके आओ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कुछ चीज़ों में टाइम लगता है राइट right? आप बार बार वेटर को भेज भेज के परेशान कर रहे हो और जो किचन है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है ऑन टॉप ऑफ इट आप वेटर का मिस यूज़ कर रहे हो राइट right? तो यहाँ पे भी चैलेंजेस हैं इसको बेसिकली हम बोलते हैं वी यूज टू कॉल इट लॉन्ग पोलिंग सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट टेक्निकल टर्म्स ऑल्सो अलॉन्ग विद डैट इसको हम लॉन्ग पोलिंग बोलते हैं राइट सो लॉन्ग पोलिंग इज लाइक आपने डेटा रिक्वेस्ट की जो रेडी है दे दो नहीं रेडी है तो वापस से मैं थोड़ी देर में भेजूंगा एंड वी विल आई विल कीप ऑन आस्किंगस आई गेट द इंटायर डेटा तो ऐसे वर्क करता है नाउ व्हाट इज अ बेटर वे सो इसका बेटर वे है कि व्हाट इफ आई से कि अगर मैं वेटर को भेजा ऑर्डर लेके वेटर गया और जो रेडी है सामान वो ले आया नाउ इट सेज दैट कि जब जब सामान रेडी होता रहेगा मैं आपको भेजता रहूंगा यू डोंट हैव टू वेट लाइक इट कैन से कि भैया चीज समोसे अभी कढ़ाई में है मैं आपको बस पांच मिनट में दे रहा हूं और मैगी समोसा ऑलमोस्ट रेडी आप पहुंचो मैं भिजवा रहा हूं राइट तो इट्स लाइक आप पहुंचे और उसने साइड में पीछे से वापस से भेज दिया वंस इट इज रेडी सो देर इज नो नीड टू लाइक कॉल आर वेटर कि भैया वो रेडी हुआ या नहीं हुआ जब वो रेडी हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा तो इट्स लाइक आपने एक रिक्वेस्ट भेजी थी उसके रिस्पेक्ट में आपको मल्टीपल अपडेट्स बार 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 मिल सकते हैं सच दैट कि अगर आपको उसमें ऑर्डर में कुछ और चीज़ें एड ऑन करनी है या कोई और चीज़ें आपको चाहिए लाइक यू वॉन्टेड टू एड कि ठीक है भैया uh, समोसे अच्छे लगे चीज कौन समोसे दो और कर देना राइट right? तो उस केस में क्या होगा यू कैन सेंड न्यू रिक्वेस्ट बेसिकली एंड यू विल कीप गेटिंग द डेटा अगेन अगेन राइट सो इट्स लाइक डुल कनेक्शन दट इज क्रिएटेड इन सच केस क्या होता है आपका एक परसिस्टेंट कनेक्शन बन जाता है जिसके बेसिस पे आपका डेल बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है इसको हम बोलते हैं वेब सॉकेट ओके नाउ दर इज अ थर्ड वे ऑल्सो वॉट इज दिस थर्ड वे इट सेज दैट आपको जो भी ऑर्डर चाहिए आप एक बार में मुझे बता दो एंड रेस्ट आई विल टेक केयर ऑफ हाउ इट वर्क आपने एक कनेक्शन बना लिया सर्वर के साथ और कहा कि भैया मेरी रिक्वायरमेंट है कि सेम मुझे इतने चीज कौन समोसा चाहिए चाय चाहिए ये सारी चीजें चाहिए फाइनली वॉट यू गेट योर सर्वर सेज कि ठीक है नाउ वंस इट इज रेडी आई विल कीप ऑन सेंडिंग यू द डेटा लेस मैंने आपको सारा डेटा सेंड कर दिया ठीक है आई विल कीप सेंडिंग द डेटा

Changes, career. similarly, the other people who are using it, consuming it, get the data then and there, right? They are able to see. Uh, SSE is more about your notification. Like you uh, in Facebook, you get a notification you got, got a new friend request, right? Someone has shared your post or liked your post. For that, you are not actually requesting to your server. Once it, has radiate survey, it is ready at the server, it is basically sending you data from the server to the client, and that is done mostly using the server send event. So, yeah, let's get into the next component. Let's understand availability, right? so, हमारे मोटू भाई का जो है, वो चलता था दिन में। रात में रात जैसे ही होती थी, तो मोटू वर्कर चले जाते थे तो उनका पूरा बिजनेस बंद हो जाता था व्हेन वी से बिजनेस बंद हो जाता था तो उनका सेटिंग एरिया जहां से किचन है वो पूरा का पूरा फुल क्लोज हो जाता था अब मोटू भाई का तो फंडा क्लियर था बिजनेस करना है तो उनका सीधा सा फंडा था मैं भला सो जाऊँ पर मेरा बिजनेस नहीं सोना चाहिए तो इसके लिए अब मोटू भाई क्या करें तो मोटू भाई सोचे कि चलो ठीक है मैं पूरा फुल टू बिजनेस नहीं कर सकता पर एटलीस्ट कुछ तो कर सकता हूं अपने कस्टमर्स को एंगेज रखने के लिए वॉट ही थॉट कि अगर कुछ पार्ट जो है मेरे बिजनेस के एज इट इज वर्क करें और कुछ चीजें चली जाए आई एम ओके जैसे किचन में मैं गर्म समोसे नहीं दे सकता चलो ठीक है कोई बात नहीं है पर एटलीस्ट मैं पैक्ड समोसे तो दे सकता हूँ मेरे कस्टमर से मैं जानता हूँ किसने क्या लिया है और फिर मैं उससे चार्ज कर दूंगा बाद में राइट right. और ऑन टॉप ऑफ इट एटलीस्ट आई कैन शो केस की क्या कहते हैं वॉट आर द प्रोडक्ट्स विच आई हैव ताकि कल को जब ये कस्टमर मॉर्निंग में आएगा तो उसे पता है कि क्या क्या मिलता है सो इट्स लाइक कीपिंग द इंगेजमेंट बेसिकली वॉट ही डेड मोटू भाई ने क्या किया उन्होंने कहा कि ठीक है मेरी किचन बंद हो जाएगी किचन से किचन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है बट आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद द लोकल वर्जन ऑफ समथिंग या जो आपका रेफ्रिजरेटर टाइप का है इसमें आपके कोल्ड uh, कॉफी है आपके पैक्ड समोसेज हैं और बाकी और भी बाकी काफ़ी चीजें हैं राइट सो व्हाट कस्टमर्स कैन डू जो डेटा या जो चीजें अवेलेबल करा दी गई थी दिन में जो इसमें रख दिया गया था दोज आर स्टिल एक्सेसिबल टू दीपल हु आर ऑथराइज सॉर्ट ऑफ राइट सो जो जिन्होंने एक्सेस किया था डेटा उनको दोबारा से वो डेटा मिल जाएगा ना ओके okay. तो इससे हमारा कुछ केस सॉल्व हो गया अब इसको टेक्निकल टर्म्स में देखते हैं तो टेक्निकल टर्म में हाउ दिस वर्क्स? व्हेन वी से इट इज अ क्लोज्ड और लेट नाइट इट इज लाइक व्हेन वी आर इन अ ऑफलाइन मोड राइट वेन वी आर इन ऑफलाइन मोड हमारा नेटवर्क चला गया या किसी वजह से सर्वर के साथ कनेक्शन नहीं बन पा रहा है और सर्वर इज डाउन फॉर फॉर एनी रीजन राइट वी वॉन्टेड टू मेक इट ऑफलाइन बेसिकली आई विल से मेक इट ऑफलाइन लाइक आपके इंटरनेट नहीं है राइट इन सच सीनैरियोज वॉट वॉट यू कैन डू एंड वॉट यू कैन डिसाइड टू डू कि ठीक है अगर ये वर्क नहीं करेगा तो जो आपके जो पेजेस थे जो जब नेट था तो वो पेजेस मैं आपको दिखा दूँ या कोई स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दिखा एटलीस्ट आपको एंगेज रखो एज अ कस्टमर को एंगेज रख सकूं राइट दैट्स व्हाट द फंडा टेक एन एग्जांपल व्हेन योर इंटरनेट इज डाउन राइट यू ओपन गूगल डॉट कॉम यू गेट अ गेम टू प्ले राइट और डेज दे आर फीचर एंड कैपेबिलिटी वेयर You can actually do a modification on the Google Doc basically in the offline mode as well. So, there are so many capabilities which are evolving out of the offline support. There are so many applications which you can use in offline mode and you can do a lot of stuff. Uh, on the web, how you basically achieve this? You achieve this using Service Worker.

इंडियन देसी स्टाइल वाले भी आते हैं और इनके पास डिफरेंट वेराइटीज के लोग आने लगे नाउ अब प्रॉब्लम इज अब क्योंकि इनका बिजनेस से सपोज अभी इंडिया में ही स्टार्ट किया है डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स आने लगे डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग स्किल्स हैं डिफरेंट चैलेंजेस हैं राइट जैसे इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस फ्यू पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश राइट जो कि उन्होंने अपना मेन्यू बना रखा है और जो इनके पास वेटर्स हैं वो इंग्लिश बोलते हैं नाउ दैट्स अ प्रॉब्लम

सो so, आपने मेन्यू तो अपना बहुत फाड़ सा बना दिया बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कंज्यूम दैट बिकॉज दे कैन नॉट डिफ्रेंशिएट द कलर एंड दे कैन नॉट रीड वॉट इज रिटन इन द मेन्यू नाउ अब मोटू भाई को ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं सॉल्व तो करनी है इट्स लाइक like, कि वेन वी से अबाउट एक्सेसिबिलिटी एक्सेसिबिलिटी इज ऑलवेज अबाउट लाइक इट कैन बी इजली कंज्यूमेबल बाई एवरी वन राइट सिंपल तो अब सेम फंडे पे मोटू भाई को बिजनेस चलाना है तो मोटू भाई ने क्या कहा कि हाँ चिंग चौक बोलोगे तो नहीं समझ में आएगा मुझे ना कस्टमर्स को समझ में आएगा तो इसके लिए क्या करना चाहिए इसके लिए बेसिकली आई विल प्रोवाइड अ मेन्यू कार्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस राइट व्हाट आई विल डू मैं अपने मेन्यू कार्ड को इस तरीके से सिंपल रखूंगा ताकि उसमें कलर कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम्स ना हो एंड आई विल ऑल्सो मेक श्योर पीपल हु डोंट आर नॉट एबल टू स्पीक माई वेटर इज बेसिकली एबल टू गेट द साइन लैंग्वेज एंड एबल टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट ओके सो so, बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो हमने सॉल्व कर दी लैंग्वेज की प्रॉब्लम स्पीक करने की प्रॉब्लम है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन ये भी मल्टी लैंग्वेज बोल लेता है राइट इन टर्म्स ऑफ द मेन्यू कार्ड इन टर्म्स ऑफ द पीपल हु आर हैविंग द डिसबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ द विजन इंपार्टमेंट उसके लिए भी हमने मेन्यू कार्ड से रिलेटेड चैलेंजेस सॉल्व कर दिए एंड वी है वी हैव सल्यूशन राइट नाउ राइट अब सेम चीज़ें से ही सपोज आपने एक एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन बनाया उस वेब एप्लीकेशन में चैलेंजेस आते हैं राइट हाउ टू सॉल्व दैट सो दे आर सर्टन थिंग्स दैट वी शुड टेक केयर ऑफ Uh, one we should take care of utilizing keyboard accessibility we should take care of that when when we say that your tab should behave in a fashion it should basically navigate to all the input field and the way it should have an order right we should take care of that in terms of we should always take care of a screen reader as well

ये चाहते थे कि जितनी भी इनकी ब्रांचेस है वहाँ पे इनका जो फूड है जो आइटम है जो समोसे चाय और बाकी जो चीज़ें ये सेल करना चालू किया है ये सेम क्वालिटी हर जगह पे अवेलेबल हो नाओ दिस वॉज अ बिग चैलेंज ओके सो नाओ वॉट ही ट्राई टू डू ही ट्राई टू मेंटेन सम स्टैंडर्ड सम सॉर्ट ऑफ रूल और वो जहाँ पे जो इशू आता था उसके बेसिस पे कुछ कुछ चीज़ें फिक्स कर देते थे कुछ कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड्स सेट करते थे ताकि सेम कंसिस्टेंसी मेंटेन हो सके ठीक है

आपकी सी एस एस कंसिस्टेंट नहीं है आपका जो जावा स्क्रिप्ट है कुछ फंक्शनलिटीज आपकी एक ब्राउजर में अवेलेबल दूसरे ब्राउजर में अवेलेबल ही नहीं है राइट right? तो कुछ चीज़ें वर्क करती हैं एक में कुछ चीज़ें ब्रेक कर जाती हैं दूसरे में दिस यू माइट हैव सीन एंड फेस्ड अ लॉट राइट तो जनरली हम उसके लिए सोल्यूशन क्या करते हैं वी हैव कपल ऑफ थिंग एज एन सोल्यूशन हम क्या करते हैं कुछ सी एस एस प्रॉपर्टीज चेंज करते रहते हैं टू एड अ A sort of thing थिंग इन ऑर्डर टू एनेबल certain प्रॉपर्टीज एट डिफरेंट ब्राउजर लेवल और जनरली हम क्या करते हैं अगर JS फटता है तो वी हैव सम पॉलीफिल राइट हम कुछ पॉलीफ़िल्स लिख देते हैं जो फीचर्स बाय डिफॉल्ट ब्राउजर्स में अवेलेबल नहीं है एंड दैट बेसिकली वर्क आउट ऑफ बॉक्स दिस है जो लोग रिएक्ट यूज करते हैं दे आर वेज लाइक स्टाइल कॉम्पोनेट जिसमें यू डोंट हैव टू वरी अबाउट राइटिंग द सीएसएस फॉर द डिफरेंट यू कैन से ब्राउजर वर्ज़न ऑफ़ थिंग एंड सिमिलरली फॉर द पॉलीफिल आल्सो दे आर सम सोल्यूशंस लाइक डायनेमिक पॉलिफिल दे आर अदर सोल्यूशंस लाइक मॉडर्नाइजर राइट दे आर सो मैनी अदर सॉर्ट ऑफ सोल्यूशंस डेट वी है चलो कुछ कुछ करके कुछ एफर्ट्स मार के हम डिफरेंट ब्राउजर लेवल पे या डिफरेंट ब्राउजर वर्जन लेवल पे हमने सपोर्ट कर दिया नाउ दिस थिंग इज ओके एंड आर एप्लीकेशन इज रेडी टू वर्क इन डिफरेंट ब्राउजर्स एंड वी हैव टू मेक सम एफर्ट बट इट इज गोइंग टू वर्क नाओ मोटू भाई इज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड मोटू भाई को तो चाहिए था कि मुझे बिजनेस और एक्सपेंड करना है और एक्सपेंड का मतलब मुझे इंटरनेशनल ब्रांड बनानी है उनका तो टारगेट ही यही था तो उन्होंने सोचा कि मुझे ये इंटरनेशनल लेवल पर अपना ब्रांड लेके जाना है नाओ जो मैनुअल एफर्ट्स मारे हैं और जैसे जैसे टीम बढ़ेगी वैसे वैसे ये टीम को हर जगह पे मैनुअल एफर्ट मारना पड़ेगा हर जगह पे ये मेंटेन करना पड़ेगा उतना ही टेस्टिंग का एफर्ट बढ़ेगा क्वालिटी चेक का एफर्ट बढ़ेगा सो मोटू भाई इज लाइक like कि क्या कोई तरीका है जिससे एटलीस्ट मैं इन सारे स्टैंडर्ड्स को इन इन सारे गाइडलाइंस को एक सेंट्रल जगह पर लेके आ सकूं ताकि जो मेरा फूड है वो कहीं पे भी ऑल ओवर वर्ल्ड में आ, क्या कहते हैं प्रिपेयर हो रहा हो या यूज़ हो रहा हो कंज्यूम हो रहा हो सेल हो रहा हो वो सेम क्वालिटी मेंटेन कर सके राइट सो so वॉट ही केम अप कि चलो ठीक है आई विल सेट समूल्स गाइडलाइंस बेसिकली एंड आई विल मेक इट जो मेरे कोर हैं बेसिकली जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो मैं एक सेंट्रल प्लेस पर रखूँगा एंड हाउ टू कंज्यूम दो इन्ग्रीडियंट्स आई विल मेक अ डॉक्यूमेंटेशन आई विल हैव सेट अ गाइडलाइंस बेसिकली ठीक है सो नाउ सिमिलरली इफ़ यू हैव टू टॉक अबाउट इन टेक्निकल टर्म यू हैव डिफरेंट ब्राउजर्स definitely you have different browser versions we have talked about you have different operating system right one is using in linux windows and obviously in say, suppose mac os and that too they are different different versions basically right and that too those are used in different hardware across the uh, globe right so now these have so many number of varieties it's very difficult to set those standard normally by making normal effort for that what we have we have something called design system

वी हैव इनसाइड इन आर एप्लीकेशन दट आर सेंट्रलाइज्ड एंड कैप्ट एज एन स्टैंडर्ड एज एन गाइडलाइन सो दट कोई भी उसको कंज्यूम कर रहा है देर इज अ गाइडलाइन यू कंज्यूम यूजिंग सम गाइडलाइन एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट सपोर्ट इन डिफरेंट ब्राउजर्स डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डिफेंट वर्जन बिकॉज इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर टीम हुज मेटेनिंग द योर डिजाइन सिस्टम नाउ इट अब अपना बिजनेस स्केल करो वॉट आर द डिफरेंट पॉपुलर डिजाइन सिस्टम दैट वी हैव इन द मार्केट वी हैव मेनी राइट वी हैव मटीरियल यू आई गूगल एटलाशियन डिजाइन सिस्टम इज देयर देयर इज अ फ्लूंट यू आई बाई माइक्रोसॉफ्ट सिमेंटिक बाई एमेजॉन राइट एंड डिजाइन दे आर सो मेनी अदर पॉपुलर थिंग वी विल भी टॉकिंग अबाउट ऑल दो थिंग इन डिटेल इन अकमिंग से लेट्स अंडरस्टैंड क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट राइट सो इन दिस विल भी टॉकिंग अबाउट मोस्टली इन द लाइक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सो क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट क्यों ज़रूरत है तो अब मोटू भाई ने बिजनेस तो एक्सपेंड कर लिया उन्होंने डेली में मल्टीपल जगह पर अपने वेंचर्स खोल दिए इंटरनेशनल लेवल पर वेंचर्स अपने खोल दिए ना वॉट ही वॉन्ट ही वॉन्ट कस्टमर मतलब ब्रांचेस तो खोल दिए जब तक कस्टमर नहीं आएगा काम कैसे चलेगा तो वॉट वॉट ही डिसाइडेड कि मैं अपनी ब्रांड वैल्यू बनाऊँगा ताकि आस पास किसी भी शॉप वाले से Uh, कोई भी जाके पूछे कि भैया क्या कहते हैं अच्छे समोसे कहाँ पे मिलते हैं तो वो मोटू भाई के रेस्टोरेंट पे इंडियन समोसे वाले पे डाइवर्ट कर दे सिमिलरली अच्छा रेस्टोरेंट कहाँ मिलेगा ऐसी चीजों के लिए भी डाइवर्ट कर दे और भैया कुल्लड़ वाली चाय कहाँ मिलेगी राइट दीज आर द सम पॉपुलर थिंग दैट वी इंडियन आर लुक फॉर सो बेसिकली फॉर ऑल ऑफ सच थिंग लाइक वॉट मोटो भाई वॉन्ट कि आस पास के जो लोग हैं वो ऑटोमेटिकली लोगों को प्रमोट करके क्योंकि क्वालिटी हम देते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाए राइट एंड पीपल हु टेक हैव द क्वालिटी दे विल गो बैक एंड दे विल डू द सेल्फ प्रमोशन और द माउथ एडवर्टाइजमेंट एक तो ये हो गया कि आप क्वालिटी दोगे तो ऑटोमेटिकली कस्टमर्स आपके पास वापस आएंगे सेकेंड इज लाइक यू डू अ पेड प्रमोशन जहाँ पे आपको पैम्पर्स वगैरह और आपके थोड़ा से एड्स वगैरह प्रमोट करना होगा एड्स वगैरह मल्टीपल प्लेसेस पे देने होंगे राइट right? सच काइंड ऑफ थिंग मोटिव आई वॉन्ट टू डू अगर यही चीज आपको डिजिटलाइज करनी है राइट right? आपको अपने एप्लीकेशन के लिए करनी है तो आप कैसे बेसिकली कर सकते हो यूजिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक राइट सो दे आर टू इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन इज ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड सेकेंड इज ऑफ पेज टेक्निकेक्निक ठीक है लेट्स टॉक अबाउट दम

देर आर फ्यू कस्टमर जो अंदर जाके पीप कर लेते हैं ठीक है कि और क्या क्या बनाया भैया ने ठीक है तो वो देख लेते हैं तो सिमिलरली हमारा गूगल भी ऐसी है ताक़ा जाके कर लेता है आप बताओ ना बताओ वेबसाइट में जाएगा और देख ही लेगा कि क्या क्या कंटेंट पड़ा हुआ है बट इट्स ऑलवेज गुड कि आप एक्सप्लिसिटली बता दो ताकि आप जिस तरीके से बताओगे वो वैसे वो समझेगा राइट सो सिमिलरली वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर वेब पेजेज आर आर हेड राइट हेड छोटी पर मोटी बातें होती हैं वहाँ पे सो और नेवर अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ हेड तो इन दैट वॉट यू आर गोइंग टू डू यू हैव टू टेक केयर ऑफ मल्टीपल थिंग्स लाइक यू हैव योर टाइटल सो लेट मी रिड्यूज हैव टाइटल यू हैव डिस्क्रिप्शन राइट यू हैव समथिंग कॉल्ड मेटा अगर जहां पर शेयर करना होता है सोशल मीडिया वगैरह पे तो सोशल मीडिया के मेटाज वगैरह होते दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट कॉन्टेंट इज नो डाउट वेरी इंपॉर्टेंट राइट सो so, अगर आप जो चीज़ बना रहे हो वही अच्छी नहीं बनाओगे तो कोई आएगा ही नहीं सीधी सी बात है राइट यू शुड डू योर जॉब इन द बेस्ट पॉसिबल वे एंड ऑन टॉप ऑफ इट वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज द परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस इन द सेंस आप खाना तो बहुत बढ़िया बनाते हो पर देते भी है घंटे घंटे भर बैठा के हो तो इट्स लाइक like, इंसान परेशान हो जाता है ठीक है इतना अच्छा क्या खाना है कि घंटा भर जाकर बर्बाद करूँगा राइट इट डजन वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम सो परफॉर्मेंस इज ऑलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ इन टर्म्स ऑफ ऑफ पेज राइट ऑफ पेज में जनरली यू डू अ बैकलिंग्स बैकलिंग्स इन अ सेंस आपको लोग डायरेक्ट करे कि भैया वहाँ पे चीजें अच्छी मिलती है आप वहाँ पर जाओ राइट पीपल टेक डू आ क्रेडिबिलिटी चेक ऑन बिहाफ ऑफ यू ऑन टॉप ऑफ इट दर इज अ सेकेंड थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट विच इज यू डू एक्ट्स राइट एड्स इन अ सेंस कि आप गूगल टैग मैनेजर यूज़ करो या गूगल एडवर्ड्स बेसिकली यूज करो यू यूज फेसबुक एड्स राइट यू यूज अदर प्लेटफॉर्म इन ऑर्डर टू एडवर्टाइज योर योर स्टफ योर वेबसाइट योर वेब एप्लीकेशन राइट सो दीज आर द कॉमन वेज बेसिकली एंड वी विल भी डेफिनेटली डाइविंग इन टू मोर एंड मोर डिटेल वैन वी गो इन टू द स्पेसिफिक सेशन या नाउ मोटू भाई का बिजनेस तो स्केल हो गया और कस्टमर्स भी आने लगे और कस्टमर्स आर लाइक ख्याल रखोगे तो बहुत सारा रेवेन्यू बिजनेस देंगे आपको और अगर ख्याल नहीं रखोगे तो इट्स लाइक like फिर से उड़ चला राइट right? सो so, इसके लिए वॉट मोटू भाई हैव टू टेक केयर ऑफ मोटू भाई हैव टू टेक केयर ऑफ वॉट पीपल आर लाइकिंग एंड डिसाइकिंग मतलब कुछ अच्छा लग रहा है बेकार लग रहा है जो भी उनके रिव्यूज़ हैं फीडबैक है सजेशन है, है उसको काउंट करना है ऑब्वियसली क्वालिटी मेंटेन रखनी है कि अगर क्वालिटी ऑफ द एरिया ऑफ द रेस्टोरेंट एंड ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ़ द फूड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट हाइजीन मेंटेन करके रखना है अगर हाइजीन नहीं होगा क्वालिटी ऑफ चीज़ें नहीं होगी तो बाय बाय हो जाएगा राइट चीज़ें डैमेज भी नहीं होनी चाहिए आया है कोई बैठा और धड़ुम राइट इट्स नॉट गोइंग टू वर्क तो सिमिलरली ग्लास में पानी पीना स्टार्ट किया और ग्लास क्रैक है क्वालिटी नहीं है राइट तो वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं सर्टन अदर चैलेंजेस कस्टमर्स बहुत आ रहे हैं पर सिटिंग एरिया बहुत छोटा सा है राइट right? फूड की रिक्वायरमेंट जो की जाती है वो जनरली अवेलेबल ही नहीं होता है राइट right? तो इन सारी चीज़ों का तो ख्याल रखना पड़ेगा अब ये सारी चीज़ों का ख्याल कैसे रख सकते हो फर्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट विच इज़ लॉगिंग एंड सेकेंड इज विच इज इंपॉर्टेंटेंटेंटेंटेंट इज मॉनिटरिंग लाइक यू विल बी मॉनिटरिंग वॉट इज हैपनिंग ऑल अराउंड योर रेस्टोरेंट एंड यू विल कीप लॉगिंग एवरी थिंग दैट इज एवरी ट्रांजेक्शन एवरी फीडबैक एवरी स्टॉफ दैट इज हैपनिंग इन योर सिस्टम राइट सो इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल टर्म्स वॉट आर दीज इम्पॉर्टेंट वन इज एर लॉगिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोई चीज ब्रेक कर रखी है राइट योर टेक इन योर एग्जाम्पल आपका एप्लीकेशन कहीं लोड ही नहीं हो रहा है किसी कस्टमर्स के लिए दैट इज़ अ बिग पेन सिमिलरली आपका एप्लीकेशन तो लोड हो रहा है पर कुछ फीचर्स और फंक्शनैलिटीज वर्क नहीं कर रही है राइट दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट सो कुछ केसेज में दे विल कंप्लेन बट इन सर्टन केसेज दे विल जस्ट वॉक अवेन राइट तो वॉट यू वॉन्ट जो कंप्लेन करते हैं वो बहुत कम होते हैं जो वॉक अवे कर जाएंगे बिकॉज़ क्वालिटी ब्रेक दैट यू कैन स्टार्ट टेकिंग डिसीजन ऑन अ फास्टर वे एंड द रेट राइट सेकेंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज योर यूजर ट्रैकिंग सो किस टाइप के यूजर आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं किस टाइप की चीजें वो प्रेफर करते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग योर यूजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किस एज ग्रुप के हैं तो दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ किस कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं राइट एवरीथिंग रिलेटेड टू यूज़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ यूजर एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक वाट आर दे लाइकिंग वॉट दे आर ऑर्डरिंग राइट ऑल दोज एक्टिविटीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर फीचर और यू कैन से योर योर कॉन्टेंट जो आप दे रहे हो वो क्या यूटिलाइज कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ठीक है तो इट्स लाइक like, इट्स यूजेस और यू कैन सी इट्स मॉनिटरिंग दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज आप डिशेस तो बहुत सारी बनाते जा रहे हो पर उस डिश में से सिर्फ फाइव परसेंट ही है जो डिश लोग लाइक करते हैं और खाते हैं और बाकी ऑर्डर ही नहीं करते राइट सो वट्स अ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग सो मेनी टाइम सो मेनी टाइम बेसिकली ऑन द थिंग्स विच योर कस्टमर्स इज नॉट लाइकिंग एट ऑल दोज आर वेरी इम्पॉर्टेंट On top of it, your infra or the capacity monitoring is very very important. When we say infra and cap, uh, you can say, ah uh, your capacity monitoring, it's all about ah uh, लोग आते हैं पर उनको बैठने के लिए जगह ही नहीं मिलती है, right? Your capacity is full. Similarly, आपकी application पे इतना traffic आ गया है कि लोग जिनकी रिक्वेस्ट ही सर्व नहीं हो रही है आपका सिस्टम डाउन होने लगा राइट right? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सो इट लाइफ यू शुड मॉनिटर व्हाट सॉर्ट ऑफ इंफ्रा यू हैव एंड हाउ मच बेसिकली कैपेसिटी ऑफ इंफ्रा इज लेफ्ट इज बीइंग यूटिलाइज सो दैट यू कैन टेक अ डिसीजन कि लोड आने से पहले ही मैं स्केल कर दूँ राइट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो हाउ हाउ यू कैन बेसिकली अचीव ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग आई विल बी टॉकिंग अबाउट कपल ऑफ टूल्स दैट आर वेरी हैंडी इन ऑर्डर टू अचीव दिस एरर लॉगिंग इज लाइक एवन यू टॉक अबाउट यू इट्स लाइक यू कैन यूज सेंट्री देर इज called uh, like other thing track tra uh, track js basically right and there are other thing in terms of the user tracking in their activity amplitude is one of the good source similarly you have uh, other sources like men logging your uh, like log rocket is one of them in order to see what your user ha is doing and how they are consuming their platform right uh, yeah these are the couple of tools which are going to help you a lot and yeah we will be talking about more tools and more technical details in the upcoming episode yeah क्लाइंट साइड databases and एंड कैशिंग राइट सो example of ऑफ आर bhai motu bhai ne ने क्या सोचा अगेन मोटू <laughs> भाई ने सोचा कि बार बार सारी चीज़ें सर्वर से लेके जाते हैं सर्व करते हैं क्लाइंट पे बहुत टाइम लगता है राइट right? जो इतने सारे कस्टमर्स आ रहे हैं उनको और उनका यूज़र एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर करना है इन्होंने क्या सोचा कि एक काम करते हैं जो इन्फॉर्मेशन रेडी हो जाती है जो एक बार क्लाइंट के पास चली जाती है वो उन्हीं के पास रखे रहने देते हैं ताकि जो जो राउंड ट्रिप्स हैं वो थोड़ा सा यूटिलाइज हो जाए कम हो जाए क्योंकि सडनली बहुत फ्रीक्वेंटली काफ़ी चीज़ें चेंज नहीं होती हैं जैसे अगर कटलरीज चाहिए टिश्यू पेपर्स चाहिए वाटर बॉटल चाहिए तो ये सारी चीज़ें यहीं पे ही सर्व की जा सकती है ताकि अगर यूज होती हैं तो वहां से फटाफट फटाफट यूज हो सकती हैं राइट दैट इज़ वन वे इट्स लाइक यू आर कैशिंग समथिंग ऑन द क्लाइंट इट सेल्फ नाउ सेकेंड सॉर्ट ऑफ थिंग आर क्या किया मोटू भाई ने मोटू भाई ने एक बुफे टाइप का सिस्टम सेटअप करा दिया क्लाइंट साइड पे विच इज काइंड ऑफ योर डेटा बेसिस राइट इट्स लाइक like, जो भी चीज़ें प्रिपेयर होती रही और जो यहाँ पे यूज़ होनी थी वो आके आपके क्लाइंट साइड डेटाबेस में फिट हो जाएंगी और जो भी आपका इंटरेक्शन्स हो रहे हैं वो मोस्टली फ्रीक्वेंटली आपके इंटरेक्शन्स क्लाइंट साइड का जो डेटा है वो यहाँ से हो रहे हैं राइट जो भी चीज़ें चाहिए वो फटाक से आपको लोकल क्लाइंट साइड पे जो डेटा बेसेज हैं वहाँ से आपका डेटा आ जाता है राइट तो आपका जो फूड है वो फटाक से यहां से आ जाता है तो इस केस में लेट्स कंसिडर वी वॉन्टेड टू कवर फर्स्ट इज लाइक अगर जो आपने ऑर्डर किया वो यहाँ पे अवेलेबल है तो यहाँ से मिल जाएगा अगर, अगर अवेलेबल नहीं है तो ये सर्वर पे जाएगा विच इज मोटू भाई के किचन में जाएगा ऑर्डर और वहाँ से आ जाएगा द सेकेंड थिंग और आपने ऑर्डर किया बट वो ऑर्डर जो है जो आइटम है दैट इज स्टेल इट इज़ नॉट गुड फॉर इन ऑर्डर टू कंज्यूम So, उस केस में क्या होगा कुछ चैलेंजेस आते हैं राइट स्टेल डेटा या स्टेल जो फूड है वो आप कंज्यूम नहीं कर सकते उसका ख्याल रखना पड़ता है और वो हमेशा आपको सर्वर से अपडेट करना पड़ता है दोज आर द सम टेक्निकल थिंग्स दैट वी विल टॉकिंग अबाउट नॉट लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू अचीव दीज थिंग्स इन इन यू कैन से टेक्निकल टर्मनोलॉजीज राइट वन थिंग इज योर एस टी टीपी कैशिंग वी कॉल वेन वी से एस टी टीपी कैशिंग इट्स इट्स लाइक Uh, caching your uh, static assets. It can be images. It can be your CSS. It can be your JavaScript. Anything which can be cached, let's cache it because these thing doesn't change very frequently, right? And we we have certain policies in order to it in order to get get it cleared. Those things we'll be talking in in more detail. The the second thing is related to your, uh, like in memory caching. When when we say in memory caching, you get some data, you put in in memory and यू टेक सर्टन डिसीजन की वो इन मेमरी जो डेटा है वो कब तक रहेगा राइट द थर्ड इफ इफ यू आर सपोज यूजिंग समथिंग लाइक अपोलोलो सॉर्ट ऑफ थिंग देन यू हैव समथिंग ग्राफिकल अपोलो देन यू हैव अपोलो कैशिंग टू लाइक वंस यू मेक अ ए पी आई कॉल और यू कैन सेक अ ग्राफिकल रिक्वेस्ट देन बेसिकली यू टेक अ डिसीजन की यू वॉन्ट टू मेक अ नेक्स्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम यूर कैश और यू वॉन्ट टू एक्चुअली मेक अ नेटवर्क रिक्वेस्ट ऑल सार्ट ऑफ थिंग कैन बी डन राइट Uh, similarly there are other ways like if you are using some state management state management is like you wanted to store some of your data in in more uh, you, you can say normalized or denormalized fashion in your uh, st local storage local in a sense your browser storage and then finally you want it to take so consume that right so certain state management libraries are also very much popular in order to achieve such performance stuff which can be your Redux right there are if you are using uh, like React then it is there is a context API and there are lots sort of thing which is available right then in terms of the databases you have basically local storage take care so you have session storage basically there are certain information very small piece of information that people also keep in cookies joe it it maintains your identity in order to basically do a communication between your client and server right there, there is something called index db right there are so many such, such things basically which help you to get a better optimization or you can say perform, uh, performance on the uh, client side and these are some of the caching and the uh, like databases stuff and the techniques that we just talked about and definitely we are going to cover these in more detail in the upcoming series security Aha. so security is like agar khayal nahi rakha to nao toh dubegi bhai सो so, कितना भी बड़ा स्केल कर गया हो बिजनेस कितने भी ट्रस्टवर्दी कस्टमर्स हो अगर आपने सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखा बूम फॉर श्योर ठीक है सो टेक एन एग्जाम्पल आपके कस्टमर्स में से एक कस्टमर ऐसा है ही थॉट कि चलो आज तो कुछ तूफानी करते हैं सो वॉट ही डेड आया और सारा ऑर्डर उठा के करने लगा इट्स लाइक like, भैया दस दस समोसे दस चाय बीस पकोड़े और सारी चीज़ें भैया ने तो ऑर्डर करना चालू कर दिया प्रॉब्लम क्या हुई इससे कि किचन में सारा का सारा ऑर्डर एक टेबल से जाने लगा और बाकी सारे जो टेबल पे लोग बैठे हुए उनके पास से उनका रिक्वेस्ट जो है वो सर्व ही नहीं हो पा रहा है और किचन में लोग बिजी हैं एक भाई साहब का खाना बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा भाई साहब बाद में कहेंगे कि भैया पैसे तो है नहीं <laughs> अब आप देख लो क्या करोगे बर्तन धुलवाओगे धो लूंगा डजंट मैटर राइट सो दिस दिस काइंड ऑफ अटैक और दिस काइंड ऑफ थिंग बेसिकली आर इन टेक्निकल टर्म्स आर लाइक डीडीओएस राइट सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑफ दैट अदर सिनेरियोस कैन बी कि कुछ भाई साहब ने क्या किया कि एक रेस्टोरेंट खोला उस रेस्टोरेंट के अंदर किचन नहीं बनाई उस रेस्टोरेंट के अंदर सिर्फ बढ़िया सा एक इंटरफेस यूआई बनाया और कहा कि अरे भैया पड़ोस में तो मोटू भाई की दुकान है वहां से सामान ला ला के बेचेंगे राइट तो उन्होंने क्या किया कि यहां से आपका जो मोटू भाई का जो किचन है डायरेक्ट वहां पे ऑर्डर मारना चालू किया और सोचा कि यार यार यहां से बिंदास आ तो रही है हुआ क्या एंड ऑफ द डे मोटू भाई का जो बिजनेस है मोटू भाई के बिजनेस में लॉस होने लगा क्योंकि उनके जो कस्टमर्स है यहाँ इनका लुक एंड फील अच्छा होने के चक्कर में यहाँ जाने लगे और मोटू भाई का किचन से जो ऑर्डर है वो यहाँ पे जाने लगे अब ऑर्डर तो यहाँ जाने लगे पर पैसा तो मोटू भाई के पास आ ही नहीं रहा है दैट्स अ प्रॉब्लम सो ऐसी चीज़ों के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए दोज आर बेसिक थिंग विच इज योर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन राइट जो आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है जो आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं वो कैसे हैं और इट इट शुडन भी आपके पास कोई भी आया आराम से बंदूक लगे भाई चल सब उसे पैक कर दे और आपको पैक करने पड़े राइट यू हैव टू ऑथेंटिकेट एंड ऑथराइज बिफोर लेटिंग पीपल इन इन टू योर सिस्टम राइट सो सम इम्पोर्टेंट थिंग नाउ देयर कैन बी अदर काइंड ऑफ स्टफ ऑल्सो तो वो क्या किया कि मोटू भाई के पास जो कस्टमर्स आ रहे हैं बट जो यहाँ पे कॉम्प्यूटर के पास कस्टमर आ रहे हैं वो पूछ सकते ना कि भैया आई वॉन्ट टू गो टू द मोटू भाई का रेस्टोरेंट बट ये भाई साहब हमारे जो नया बिस्टो इन्होंने खोला है ये थोड़ा सा स्मार्ट है ये क्या कहते हैं अरे भैया हमारी ही दुकान है आप बताओ तो क्या चाहिए तो वॉट दे यूज टू डू दे यूज टू बेसिकली इफ यू हैव टू टॉक अबाउट इन टेक्निकल टर्म इट्स लाइक डूइंग आई फ्रेम किसी भी वेबसाइट को एक आई फ्रेम में डाला और कहा भैया मेरी ही वेबसाइट है मैं नहीं बनाई आप बिंदास इसको इस्तेमाल करो राइट सो देन अगेन लाइक यू कैन नॉट लेट एनी वन टू बेसिकली यूज योर ब्रांड एंड योर वेब एप्लीकेशन एज एन एंड देयर ओन नेम राइट सो फॉर फॉर दैट यू हैव लॉट ऑफ थिंग इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसीज लाइक ऑब्वियसली यू हैव Uh, like uh, content security policies that you have to take care of. you have to set who can basically access your website, your uh, who can inject certain things in your uh, application, all sort of thing basically, it can be configured over here. And similarly, uh, the course, right? Cross origin request. So you can decide uh, from which browser, which domain, basically, which domain and subdomain basically you can accept the request, all sort of thing you can configure, right? As we talked about, Uh, ऐसा नहीं होता ना कि कोई भी आके अपना फूड यहाँ पे खाने लगा और ही क्लेम्स की नहीं भैया इसमें तो फूड पॉइजनिंग था राइट दैट डजेंट वर्क और ही कम्स एंड बेसिकली ही टेक ओवर द स्टफ इज प्रजेंट ऑन यूर लाइक यू आई फ्रंट और दफ़ विच इज प्रजेंट ओवर हेयर आया तो था दो समोसे खाने पता लगा सारी कटलरीज अपने साथ ले गया राइट सो फॉर फॉर सच सीनरियज वी हैव टू टेक केयर ऑफ दी एस पी पॉलिसीज एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट अदर अदर थिंगस आर

in order to avoid that there are so many ways so many techniques and we will be talking about all those cool stuff not just limited to that we will be coming up with a lot more other security stuff in the upcoming videos performance and optimization it is all like all time favorite and <laughs> हॉट टॉपिक बेसिकली नॉट जस्ट इन टर्म इन टर्म्स ऑफ द इंटरव्यूज बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द इंप्लीमेंटेशन और जिसके पीछे कंपनीज पागल रहती है राइट एवरी वन वॉन्ट टू बिकम मोर ऑप्टिमाइज्ड एंड मोर परफॉर्मेंट राइट एक्जाम्पल मोटू भाई का भी रेस्टोरेंट है तो मोटू भाई वॉट डिसाइडेड मोटू भाई ने डिसाइड किया कि चलो जो हमारे कस्टमर्स हैं इनका जो एक्सपीरियंस है वो बैटर करना है तो एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए क्या सोचा है उन्होंने कि जो चीजें जितनी जल्दी अवेलेबल कराई जा सकती है हम कस्टमर्स को वो करा देते हैं ताकि उन्हें थोड़ा अपनापन फील आए राइट वेन दे विजिट दे हैव समिंग टू स्टार्ट विथ तो वो बेसिकली क्या है जैसे वाटर जो है स्टार्टिंग में तुरंत सर्व करा दिया ऑर्डर करेगा करेगा ठीक है तब देखेंगे जो मेन्यू है कार्ड वो स्टार्टिंग में दे दिया राइट right? और एट द सेम टाइम ही सेंड सम वन हु कैन एक्चुअली टेक द ऑर्डर ऑर्डर ले लिया जो भी कस्टमर्स को चाहिए थे नाउ द कस्टमर्स इज फीलिंग ओके कि ठीक है नाउ आई हैव गिवन द ऑर्डर आई एम सेटिस्फाइड मेरा ऑर्डर फाइनली डिलीवर हो जाएगा मेरे को सर्व होने लगेगा ना

ताकि कस्टमर्स को पता हो उसके उनके लिए उनका जो एक्सपीरियंस हो वो बेटर हो सो टेकिंग एग्जाम्पल फिंगरबॉल लाइक जरूरी होता है बट दैट इज रिक्वायर्ड एट द एंड तो स्टार्टिंग में सर्व करके क्या करेंगे राइट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सिमिलरली दे आर सर्टन थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट इट द स्टार्टिंग आपको स्टार्टर है जो स्टार्टिंग में चाहिए होता है राइट स्टार्टर को एंड में सर्व करके क्या फायदा या स्टार्टर के साथ आपका एक्चुअल मील सर्व करके क्या फायदा राइट सो दो थिंग इज टेकन केयर डेट्स वाई टू हैर्टन थिंग सेम चीज अगर सो इफ वी हैव टू एड सर्टन मोर कैपेबिलिटीज राइट मोटू भाई ने क्या किया उन्हें पता है कि कुछ चीज़ों की डिमांड बहुत आती है जैसे छोले समोसे की डिमांड बहुत आती है तो उन्होंने क्या किया चूँकि छोले को अलग से प्रिपेयर करके रख लिया और जब डिमांड आती है छोले बस निकाले डाले उसके ऊपर इन्ग्रीडियंट्स और थोड़ा सा उसका लुक एंड फील अच्छा किया और सर्व कर दिया राइट तो इससे क्या होता है इससे भी चीज़ें स्पीड अप होती हैं दे आर अदर सॉर्ट ऑफ थिंग लाइक जो जो कम्युनिकेशन है इस कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए क्या किया जो साइज है जिसमें आपका ऑर्डर जाता है ट्रेवल करता है उसको ऑप्टिमाइज कर दिया डिपेंडिंग ऑन कि क्या ऑर्डर आया है सो टेकिंग एग्जांपल अगर ऑर्डर आपका टी का था तो टी के लिए इतना बड़ा अगर ट्रे में सर्व करेंगे तो ऑब्वियसली जो कैरी करेगा उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी राइट बिकॉज इट विल इट विल टेक सम टाइम एंड इट इज हैवी एंड लॉट मोर थिंग इन ऑर्डर टू कैरी अ वेरी बिग यू कैन से प्लेट इन ऑर्डर टू जस्ट सर्व अ स्मॉल पीस सिमिलरली

क्या चीज कब जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से प्रायटाइज करके यूजर्स को सेंड करना चाहिए राइट बिलो द फोल्ड फोल्ड एवरीथिंग नीड टू बी कंसिडर राइट एंड ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग बिहेवियर वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ द सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज योर डिलीवरी डिलीवरी ऑप्शन राइट ऑप्शन सोन वेन वी से डिलीवरी ऑप्शन एज वी सेड कि ट्रांसपोर्ट छोटी चीज में करना है या बड़ी चीज में करना है उन चीजों का ख्याल रखना चाहिए राइट अब जैसे हमने बाई बाई डायरेक्शन कम्युनिकेशन की भी बात की है हमने एस की भी बात की है उन सब चीजों के डिपेंडिंग ऑन यूज केस वी हैव टू सी व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिलीवर राइट कुछ चीजें जो ऐसी हैं जो ऑलरेडी आप अपने पास रख सकते हो आपको बार बार क्या कहते हैं आके पूछने की जरूरत नहीं है सर्वर से लेके आने की जरूरत नहीं है टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ वाटर राइट यू कैन हैव अ कंटेनर इन इन क्लाइंट साइड इट सेल वेयर यू कैन कीप ऑन सर्विंग द वॉटर एज पर द दिक्वायरमेंट देर सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव टू टेक केयर इन टर्म्स ऑफ द डिलीवरी राइट द बिल्ड एसेट्स

एन द रिसोर्स दैट यू top ऑन टॉप ऑफ इट be कैन बी is अपॉन इज we say ssr is, is like आपके पास काफी चीजें जो है वो ऑलरेडी प्री कुक्ड है या काफी जो चीजें आपको चाहिए वो सर्वर से ही दूसरे आसपास कि दूसरे जो सर्वर्स हैं वहां से डेटा ऑप्टिमाइज करके ताकि आपको क्लाइंट के पास जाके क्लाइंट से फिर वापस आके फिर वो वफॉर्मेशन लेके ना करना पड़े तो इट्स लाइक दिस द सर्वर साइड रेंडरिंग ऑल्सो हेल्प्स इन ऑर्डर टू स्पीड अप योर स्टफ राइट यू कैन कंसिडर इट एज एन देर इज समथिंग विच इज ऑलरेडी प्री कुड यू आर जस्ट गोइंग टू कंज्यूम इट एंड बेसिकली सेंडिंग दैट यूजफुल इंफॉर्मेशन इन अ वन शॉट टू द क्लाइंट राइट सो वो सारी चीजें भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं ऑन टॉप ऑफ इट देर अदर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स लाइक यू सर्वर सर्विस वर्कर बेसिक it helps you to in terms of the caching and all sort of thing we will be talking about the caching uh, very soon okay with this there is very important thing now we talked about some some techniques right well, obviously we will be talking about the in in detail techniques uh, that we'll be using in, in all those areas but how to basically monitor this right you are you have done a lot of performance and optimization if it is actually working or not how you are going to monitor one way which is very very famous is like uh, your web vitals basically right web vitals is is a way which tells you if things are as per the standards or not right and we'll be talking no doubt in, in terms of the technical details now the the third the last and the most important thing is perceived uh performance, right? when when we say perceived performance, what does it mean by basically perceived performance is something which should be visible, right? You have done a lot of optimization, but if it is not visible to the end user, then that is waste. Most of the time is a waste reason.

ये तो बहुत रिकॉर्ड है रीजन इज आप क्या बना के खिला रहे हो क्या बना के सर्व कर रहे हो आपको ही नहीं पता उसका टेस्ट कैसा है तो कैसे काम चलेगा राइट सो यू शुड नो योर प्रोडक्ट यू शुड नो योर कॉन्टेंट यू शुड नो योर फीचर एंड फंक्शनैलिटी राइट फॉर दैट दे आर मल्टीपल टाइप ऑफ टेस्टिंग दैट इज इज वेरी स्टैंडर्ड इन द इंडस्ट्री तो समझते हैं उसको ठीक है तो वन इज इंडिविजुअल टेस्टिंग मतलब हमने समोसा बनाया <coughs> तो समोसा इंडिविजुअली टेस्टी होना चाहिए इंडिविजुअली मतलब अगर मैं खाली समोसा खाता हूं तो फिर वो उसमें टेस्ट होना चाहिए राइट तो बेसिकली इंडिविजुअल टेस्टिंग टेस्टिंग आई शुड राइट ठीक है दिस इज फेयर इनफ नाउ सिमिलरली आपने जो टी प्रिपेयर की है टी का टेस्ट भी इंडिविजुअली अच्छा होना चाहिए आपने छोले जो प्रिपेयर किए हैं वो भी इंडिविजुअली अच्छा होना चाहिए अब यू आर सर्विंग दिस थिंग इन अ मल्टीपल कॉम्बिनेशन आप चाय के साथ समोसा समोसे के साथ छोले और मल्टीपल कॉम्बिनेशन में चीजें सर्व करते हो राइट यू शुड बी वेल एट द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज राइट इनके कॉम्बिनेशन में ये टेस्ट अच्छा करना चाहिए भला वो आप टी के साथ छोले दो या टी के साथ समोसे दो कोई भी कॉम्बिनेशन जो आप सर्व कर रहे हो वो आपका कॉम्बिनेशन टेस्टिंग जरूर होनी चाहिए ओके कूल ठीक है सो so हमारी कॉम्बिनेशन टेस्टिंग हो गई अब इंडिविजुअली बात करेंगे टेक्निकल टर्म्स में इसे क्या बोलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट टेस्टिंग विच इज विच इज एंड टू इन टेस्टिंग यू कैन से विच इज इंटायर सिस्टम टेस्टिंग राइट विच इज इंटायर फ्लो टेस्टिंग आप बोल सकते हो सो वेन वेन आई इट्स लाइक पीपल हु आर Consuming your samosa with chola and tea—the the entire combination, the entire flow which we are talking about—this is your entire end-to-end -end flows, right? Now let's convert into the technical things. So in in terms of the technical uh, terminologies, let's quickly talk about that. We have first, which is unit testing. When we say unit testing, it is individual testing. Up. Uh, एक एप्लीकेशन डेवलप किया है एप्लीकेशन में बहुत सारे लो लेवल अपने प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं फंक्शंस लिखे हुए हैं वो इंडिविजुअली अपना जॉब प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट यू हैव रिटन अ लॉजिक इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई ये खट्टी चटनी है मीठी चटनी है क्या वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज लाइक सो यू हैव प्रिपेर्ड यूर छोलेज एंड समोसेज वो एक साथ कैसे लग रहे हैं एंड ऑबियसली इट कैन भी कि वो जब वो प्लेट पर सर्व होते हैं तो वो आ भी पाते हैं या नहीं आ पाते राइट सो यू आर टेस्टिंग दैट वन पीस ऑफ स्टफ बेसिकली इन ऑर्डर टू गेट यूर थिंग इट्स लाइक यू हैव योर एंड टू एंड टेस्टिंग वेन वी से एंड टू एंड टेस्टिंग इट्स लाइक प्रिपेयरिंग एनी थिंग एंड गेटिंग इट डिलीवर्ड एंड गेटिंग द फीडबैक फ्रॉम देयर राइट दीपल हु वॉन्टेड टू कंज्यूम आर दे एबल टू कंज्यूम सो एंड कस्टमर्स की तरीके से समझ के उसको पूरे का पूरा जो सिस्टम आपने बनाया है जो पूरा एक फ्लो बनाया है क्या आप उसको पूरा प्रॉपर तरीके से टेस्ट कर पा रहे हैं विदाउट एंड इफ इट है आप उसको कैसे रेक्टिफाई करोगे और इफ इट डजेंट हैव फ्लो दैट इज वॉट यू हैव टू फाइंड आउट राइट सो दिस दिस इज वॉट द एन टू एंड टेस्टिंग इज ऑल अबाउट राइट पीपल कॉल इट यू माइट हियर इट इन टर्म्स ऑफ इ टू ई Testing sort of. There are multiple frameworks and tools basically in order to achieve that. I will be giving you some glimpses, and obviously we will be talking about the technical detail in upcoming uh, episodes. Like we have Jest, right? For unit testing, we have Mocha. For your individual, uh, you can say uh, unit testing. You have chai, right? So you have other things like you have okay, you have chai. You have other things like Cypress, right? so you can do the integration testing or you can do the end to end testing and unit testing using cypress there are other like selenium right which is very much popular for your end to end testing right you have something called protector this this was very famous once upon a time and nowadays one of them is getting very famous is is your playwright from the microsoft yeah so yeah with this let's uh, try to get more knowledge about the testing and yes we will be diving more in detail in upcoming episode if you like the video don't forget to like share and subscribe the channel also let me know in the comment what you want me to cover in the next episode thank you for watching check the De system design and keep watching <laughs>